ग्राम स्वराज का मेरा विचार ये है कि ये एक पूर्ण गणराज्य है जो अपने पड़ोसियों से अपने स्वयं की महत्वपूर्ण इच्छाओं के लिए स्वतंत्र है और फिर भी कई अन्य चीजों के लिए परस्पर निर्भर है, जिसमें निर्भरता आवश्यक है। महात्मा गांधी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पेनुमुरु मंडल की एलकेपी वंदलावुरु ग्राम पंचायत ने अपने गांव की सूरत बदल दी। हर मूलभूत जरूरत जैसे कि साफ पानी, गंदे पानी की निकासी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ अपने बूते बना लिए। इसलिए तो इस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ये छोटी सी ग्राम पंचायत एक आदर्श है। अपनी जरूरतों के लिए इसे कहीं और से आर्थिक मदद नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि यहाँ के लोग खुद ही अपने लिए आर्थिक मदद पैदा करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो करीब 8 साल पहले शुरू हुई थी। एलकेपी वंदलावुरु ग्राम पंचायत में महज 260 घर हैं। अगर जनसंख्या और आकार के आधार पर देखें तो ये छोटी ग्राम पंचायत की श्रेणी में आती है। अब से 8 वर्ष पहले इस गांव का हाल कुछ ऐसा था। गांव में जरूरी सुविधाओं का अभाव था, शुद्ध पीने का पानी नहीं था, घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता था, दूर दराज के इलाकों से पानी लेने जाना पड़ता था। गांव में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़कें बुरी हालत में थीं, गांव के लोग बेहद परेशान थे। अपनी इन परेशानियों को दूर करने के लिए गांव के लोग एक साथ आए। उन्होंने अपनी समस्याओं और उनके उपाय को लेकर चर्चा की, सभी से राय ली गई। उसके बाद तय किया गया कि विकास कार्यों के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। पंचायत के पास अपना फंड था, लेकिन जरूरत के हिसाब से काफी नहीं था। आंध्र प्रदेश देश के उन राज्यों में आता है जहां पंचायत को टैक्स निर्धारित करने और उसे वसूलने का अधिकार प्राप्त है। यानी वंदलावुरु ग्राम पंचायत अपने गांव के निवासियों से टैक्स यानी कर वसूल सकती थी। तो इस पंचायत ने एक रास्ता निकाला। पंचायत ने हाउस टैक्स यानी गृह कर, वाटर टैक्स यानी जल कर, प्रोफेशन टैक्स यानी पेशा कर, जल निकासी कर, लाइसेंस कर, स्टैंप टैक्स यानी मुद्रा कर और भवन अनुमति शुल्क सहित कई अन्य टैक्स लगाने का फैसला किया। पंचायत ने टैक्स और उससे होने वाले फायदे की जानकारी गांव के हर निवासी को दी। ये अपने आप में एक नई पहल थी। अच्छी बात ये रही कि गांव वालों ने टैक्स की जरूरत को समझा और इसमें पूरा सहयोग दिया। गांव के लोगों से ये पैसे इकट्ठे करने शुरू किए गए। लोग खुशी से पंचायत को कर दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें ही उनकी भलाई है। टैक्स से मिलने वाली राशि से जनहित के कामों में मदद मिली। टैक्स के जरिए मिलने वाली राशि साल दर साल बढ़ती चली गई। साल 2014-2015 में हाउस टैक्स के जरिए पंचायत को 13,602 रुपए मिले थे, जो साल 2015-2016 में 42,063 रुपए हो गए। साल 2016-2017 के शुरुआती महीनों में ही 60,000 से ज्यादा टैक्स जमा हो चुका था। एक बार पैसे आने लगे तो अगला कदम था इन पैसों के सही इस्तेमाल का। प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए जो विकास कार्य होने थे उन पर फैसला लिया गया। उसके बाद एक एक करके काम शुरू किया गया। देखते ही देखते गांव का रंग रूप बदलने लगा, यानी इस फंड का सही इस्तेमाल भी लगातार हो रहा था। लेकिन बड़े स्तर पर विकास कार्य के लिए अभी और फंड की जरूरत थी। इस पर एक बार फिर गांव में चर्चा हुई। सभी की सहमति से ग्राम पंचायत के पास मुद्दे भेजे गए।
विभिन्न सामाजिक योजनाओं के तहत विकास के कार्यों के लिए जरूरी फंड मिल सकता था। इस बारे में जब वंदला वुरु गांव के लोगों को पता चला तो उन्होंने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी और ये कोशिशें रंग लाई। जल्दी ही ग्राम पंचायत को सरकारी फंड मिला, फिर सांसद निधि कोष से भी विकास कार्यों के लिए फंड मिला और विकास के काम तेजी से किए गए। सबसे पहले गांव के हर हिस्से को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। स्मार्ट कार्ड के जरिए साफ पीने का पानी लोगों को मिला। पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों में पानी सप्लाई की व्यवस्था की गई। उच्च शिक्षा के लिए स्कूल बनाया गया और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाया गया। पशुपालन गांव के लोगों की जीविका का आधार है, इसलिए जानवरों के लिए एक नया अस्पताल बनाया गया। एक नया पंचायत घर भी बनाया गया। स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं। वंदला वुरु ग्राम पंचायत हाईटेक पंचायत है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। इसका कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी है। कोई भी कहीं से भी इस गांव में होने वाले विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी के बारे में जान सकता है। ये सब कुछ किसी गांव के लिए सपनों जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। इस पंचायत में पहले सिर्फ कच्चे रास्ते थे, लेकिन आज वो सारी सड़कें पक्की सीमेंट की हो गई हैं। अब यहाँ आरओ प्लांट भी लग गया है। पंचायत के लिए भवन और जानवरों के अस्पताल भी बन गए हैं। कई विकास कार्यों के लिए तो फंड भी उपलब्ध कराया गया है। इस पंचायत में सभी उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वंदला वुरु एक ऐसी ग्राम पंचायत का उदाहरण है जो आर्थिक तौर पर सक्षम है, जागरूक है और अपने बूते अपनी योजनाओं को पूरा करने की योग्यता रखती है। इस पंचायत ने न केवल अपने आर्थिक संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल किया है, बल्कि राज्य सरकार से मिलने वाली मदद के बारे में पूरी जानकारी रखी और उससे मदद भी ली। इस ग्राम पंचायत के पास अपने प्राकृतिक संसाधन भी हैं, जिससे मिलने वाले आर्थिक लाभ पंचायत के खाते में जमा होते हैं। वंदला वुरु ग्राम पंचायत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इसके काम करने के ढंग को दूसरी पंचायतों के लिए रोल मॉडल बनाया जा सकता है।